हाय गाइज, क्या आप भी अच्छा सा वेब कैमरा ढूंढ रहे हैं, बाई करना चाहते हैं एक अच्छे से वेब कैमरे का, ताकि आप अपने लैपटॉप या पीसी के मॉनिटर में उसको अटैच करके एक अच्छा सा ट्यूटोरियल बना सके, या वीडियो रिकॉर्ड कर सके, या फिर लाइव स्ट्रीमिंग कर सके, और या फिर लाइव मीटिंग कर सके, तो आपका इंतजार खत्म। और मैं लाया हूँ एक जेब्रोनिक्स का, ये आप देखो, जेब्रोनिक्स कंपनी का एकदम बेहतरीन और अच्छा सा वेब कैम लेके आया हूँ, जो कि अगर आपका बजट रेंज 1500 के अंदर है तो ये कैमरा आपके लिए बहुत ही परफेक्ट हो सकता है। तो आज मैं इसका अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ और इसका रिव्यू पूरा बताने वाला हूँ कि ये कैसे वर्क करता है और कितना अच्छा क्वालिटी है, वो सब मैं आपको इसमें दिखाऊंगा लैपटॉप में कनेक्ट करके। या आप इसको फुल HD में रिकॉर्ड कर सकते हैं वीडियो 1080p पे विथ ऑडियो के साथ में। तो आप देर नहीं करते, सब आपको यहीं पे नहीं बताऊंगा, उसके बाद आपको यहाँ पे अनबॉक्सिंग करते हुए। लेकिन रुको, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है वीडियो को लेकर मैं आगे बढ़ूं, इसके पहले अगर आपने मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का घंटा भी प्रेस कर दें। तो चलो शुरू करते हैं। सो गाइज, अब मैं कर लेता हूं इसका अनबॉक्सिंग, लेकिन इसके पहले मैं आपको यहां पे कुछ दिखा देता हूं। ये देखो, इसका सारे फीचर्स इसके बॉक्स के फ्रंट में ही मिल जाएगा आपको। इतने बड़े सेलिब्रिटी ने अगर इसका एडवर्टाइज किया है तो जाहिर सी बात है कैमरा इसका अच्छा होगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब इसको कर देता हूँ मैं कट, यहाँ से चाकू साइड में रखता हूँ और इसको कर लेता हूँ अनबॉक्सिंग। तो यहाँ पे ये मैंने बॉक्स को ओपन कर दिया आपके सामने और ये रहा आपका वेब। इतने बड़े केबल के साथ में दे देता है, तो इसको मैंने निकाल लिया और इसको कर देता हूँ साइड में। और आपको सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ कि ये कैमरा है कैसा। ये देखो, आपके सामने भी ला के दिखा देता हूँ। जेब्रोनिक्स कंपनी का है और ये कुछ इस तरह से दिखता है। और ये है इसका USB केबल, जो कि काफ़ी बड़ा दिया हुआ है। इससे आपको रिकॉर्ड करने में या कहीं भी मूव करने में बहुत ही आसान होगा। इसका हुक है जिससे कि आप इसको अच्छे तरह से माउंट कर सकेंगे। ग्रिप बहुत ही अच्छी क्वालिटी का इसका भी है। यहाँ पर देता है ये लाइट, जब आप इसको लैपटॉप में कनेक्ट करेंगे USB केबल को, तब जाके ये यहाँ से लाइट को कम ज़्यादा कर सकेंगे, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर लाइट का ये दिया हुआ है, 5 मेगापिक्सल का ये कैमरा मिल जाएगा आपको। लेकिन दोस्तों, और भी कैमरे में 2 मेगापिक्सल या 2.1 मेगापिक्सल का होता है, बट इसमें 5 मेगापिक्सल का इनबिल्ट दिया हुआ कैमरा इसमें। तो अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, इसको आपने इसका अनबॉक्सिंग देख लिया कि ये कैमरा कैसा है, USB केबल का पोर्ट देख लिया, कैमरा देख लिया, इसका माउंट देख लिया, इसका ब्रांडिंग देख लिया आपने। लेकिन अब चलता हूँ इसको लेके लैपटॉप में और कनेक्ट करते हुए दिखाता हूँ कि कैसे ये वर्क करता है और कितना अच्छा क्वालिटी है या नहीं है। तो गाइस, लैपटॉप का सेटअप लगा लिया है और यहाँ पर अभी ये कैमरे को मैंने इसमें माउंट नहीं किया है, और इसका ये USB केबल अभी ये इसको माउंट नहीं किया है। तो इसको माउंट कैसे करना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐसा लगा लेना है इसको, इस कैमरे को। अगर ये ऐसा रहेगा तो इसको क्या करना है, आप यहाँ पर ऐसा कर देना, ये यहाँ पर टच होना चाहिए। और उसके बाद अब इसको आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐसा, ये जो बॉर्डर दिख रहा है यहाँ पर, ऐसा पूरा टच कर देना है। टच करने के बाद इसको फिर यहाँ से इसको ऐसा दबा देना है साइड से, ये देखो। और ये USB केबल को यहाँ पीछे से ऐसा आप इसको पीछे कर देंगे। पीछे करने के बाद इसको यहाँ पर USB का पोर्ट रहेगा है, तो यहाँ पर आप इसको ऐसा कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर विंडो पर क्लिक करना है, यहाँ पर चले जाना है कैमरे पे। ये देखो, ये कैमरे पे जहाँ मेरा एरो घूम रहा है, यहाँ कैमरे पर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और एक नया पेज खुल के आपके सामने आ जाएगा, कैमरे का विंडो खुल जाएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि अभी जो ये रिकॉर्डिंग हो रहा है और जो यहाँ पर ये फुटेज आ रहा है सामने, जो क्लिप आप देख रहे हैं, ये रिकॉर्ड हो रहा है इनबिल्ट कैमरे के लैपटॉप के, जो कि आप देख सकते हैं कि इसका पिक्चर क्वालिटी कैसा है, यानी वीडियो रिकॉर्डिंग का क्वालिटी कैसा है आप देख सकते हैं। तो अभी आपको जब वेब कैमरा चालू करना पड़ेगा तो आप कैसे करेंगे, तो यहाँ आ जाएंगे लेफ्ट साइड पर। आपको कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जैसे ही USB केबल लगाएंगे ये अटैच हो जाएगा कैमरा, और यहाँ पे देख सकते हैं ये कैमरे का आइकन दिख रहा है। अब इस पर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यानी स्विच करना है आपको। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये स्विच हो जाएगा, और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कैसा क्वालिटी आ रहा है, क्लीन क्वालिटी है। ये देखो, तो ये वेब कैमरा इसका ऑन हो गया और यहाँ पर इसका लाइट भी ऑन है। तो गाइस, अभी मैं क्या करता हूँ, ये देखो लाइट का मैं दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं, ये कम ज़्यादा करने पर यहाँ से लाइट चालू और बंद चालू हो जाता है। देखो, अब मैं ये पूरा दबा दिया हूँ, यहाँ पर एंड कर दिया हूँ, बंद हो गया। यहाँ से जैसे ही ओपन करता हूँ फिर से ये लाइट चालू हो जाता है। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर खुद गेस कर सकते हैं कि जो इसके पहले जो रिकॉर्डिंग कर रहा था मैं, उसके क्वालिटी में इसके क्वालिटी में कितना डिफरेंस है। जैसा कि मैं फिर से यहाँ से इसको स्विच करता हूँ, फिर से अभी ये लैपटॉप का कैमरा ओपन हो गया है, और फिर से जब मैं इसको स्विच करता हूँ तो यहाँ से देखेंगे कि इसका कैमरा ऑन हो गया, यानी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस आ रहा है क्वालिटी में। तो इससे आप जो चाहे वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर वीडियो के आइकन पर जाता हूँ और यहाँ पर वीडियो कैमरे पर क्लिक कर देता हूँ। उतना ही क्वालिटी आ रहा है, उतने ही कुछ चेंजेस नहीं हुआ है,
सेम फोटो, वीडियो का क्वालिटी सेम सेम आ रहा है इसका। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से बंद करता हूँ और इसका जरा रिकॉर्डिंग देख लेता हूँ कि क्या ये वॉइस भी रिकॉर्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है कैमरा। से मैं इसको बंद कर दिया हूँ, अब यहाँ से इसको कट कर देता हूँ। कट करने के बाद जाता हूँ दिस पीसी में। तो दोस्तों अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ चले जाता हूँ दिस पीसी पर और यहाँ दिस पीसी पर यहाँ पर क्लिक करके ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर पिक्चर्स पे आ जाता हूँ और यहाँ पर कैमरा रोल पे आ जाता हूँ जो कि मैं अभी रिकॉर्ड किया, और यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और देखता हूँ कि इसमें ऑडियो वीडियो आ रहा है कि नहीं रिकॉर्डिंग होकर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ऑडियो और वीडियो दोनों एक साथ रिकॉर्ड हुआ है, ये आप सेटिस्फाई हो गए होंगे। हालांकि अभी यहाँ पर फैन चल रहा है तो शायद इसमें थोड़ा बहुत नॉइज आ रहा होगा। दोस्तों ये 1400 रुपये का टोटली प्राइस है, क्योंकि प्राइस रेंज के हिसाब से देखेंगे तो इसका परफेक्ट पिक्चर क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी है।